सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेक्नोगाइ चैनल को और एक घंटे को दबाइए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके, वो भी एकदम फ्री। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल इंडियन टेक्नोगाइ में। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ जियो फ़ोन का 110% ओवरऑल रियल रिव्यू। उसमें सारी बातें सच और पूरा 110% ए टू जेड सब डिटेल हैं कि जियो फ़ोन में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। तो ये जो वीडियो है ये मेरे को दी गई है बाजवा टेक की तरफ से। तो जैसा आप देख पा रहे मैं बाजवा टेक गुरु लिख रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया चैनल है इनका। इन्होंने मुझे ये वीडियो दिया है और मुझे खुद इन्होंने परमिशन किया है कि इस वीडियो को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ अपलोड कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान है ये और बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसका चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए बाजवा टेक गुरु का, बहुत बढ़िया वीडियोज़ लाते हैं। और जी और इन्हें सपोर्ट जरूर कीजिए सब्सक्राइब करके और प्लीज़ मेरे चैनल इंडियन टेक्नोगाइ को भी जरूर से सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। तो ये सब्सक्राइब आपको बहुत सिंपल है, लाल बटन दबाइए और जी घंटे बाबा को भी जरूर दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। तो जी प्लीज़ अभी वीडियो को लाकर तक देखें, वीडियो पूरा लंबा है जी, अच्छा खासा है, बट प्लीज़ देखें जरूर क्योंकि आपको सारी डिटेल पता लग जाए। इंतजार था वो फ़ोन अब आ गया है। ये रिलायंस जियो का फ़ोन है जो 1500 रुपये में फ़िलहाल बुकिंग पे मिल रहा है, लेकिन अभी तक ये कस्टमर के लिए नहीं आया, ये सिर्फ अभी तक एम्प्लॉयज़ को ही दिया गया है। ये फ़ोन की फ़र्स्ट लुक है जो आपको मैं फ्रंट से दिखा रहा हूँ, बैक से ये फ़ोन इस तरह दिखता है। इस फ़ोन के अंदर प्री लोडेड ऐप्स आई हैं जिसके अंदर आप टीवी एंड म्यूज़िक ऑल आपको दिख सकते, आपको उसका पूरा मैं डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। फिलहाल इसके ऑप्शन के बारे में बताऊँगा तो पहला जो ऑप्शन है वो नोट है, सेकेंड इसके अंदर कॉल ऑफ की ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर आप सेव कर सकते हो, जियो स्टोर इसके अंदर दे रखा है, जियो स्टोर के अंदर कुछ ऐप्स हैं जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल ऐप के अंदर जियो वीडियो कॉल एंड फेसबुक की ऐप्स इसके अंदर दे रखी है। इसके अलावा और कोई ऐप नहीं है, सिर्फ आप दो ही ऐप डाउनलोड कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग के लिए। थर्ड इसके अंदर जो है ऐप है वो है जियो सिनेमा, फोर्थ जियो म्यूज़िक एंड फिफ्थ जो है वो है जियो टीवी। यूटिलिटी के अंदर इसके अंदर माई जियो, जियो पे और लाइव फ़ोन मॉनिटरिंग की ऐप दे रखी है। न्यूज़ के लिए जियो एक्सप्रेस न्यूज़ आप डाउनलोड करके, जैसे यहाँ पे गेट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और इसको आप गेट करके इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड इसके अंदर जैसे मैंने ये गेट के ऊपर क्लिक किया था, डाउनलोड फिनिश हो गया, इट मीन ये जो ऐप है ये इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। मैसेज का इसके अंदर ऑप्शन है, क्लॉक है इसके अंदर, आप इसमें जो अलार्म है वो सेट कर सकते हो। इसके अलावा कैमरा इसके अंदर है, कैमरे में आप फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा दोनों यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है बैक कैमरे की जो है ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैलेंडर इसके अंदर दे रखा है, मतलब बेसिक बेसिक जो ऐप जो हम यूज़ करते हैं बेसिक फ़ोन के अंदर ऑलमोस्ट इसके अंदर वो सारे के सारी ऐप्स हैं। म्यूज़िक की इसके अंदर ऐप दे रखी है, यदि आपने कोई मेमोरी कार्ड के अंदर सॉन्ग वगैरह आपने डाले हुए हैं तो आप उसको सुनना चाहो तो वो भी सुन सकते हो। गैलरी है यहाँ पे, कोई भी आपने जो फ़ोटो क्लिक करते हो, जैसे मैंने ये फ़ोटो क्लिक की तो इसके अंदर ये फ़ोटो सेव हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे FM रेडियो है, ब्राउज़र है इसके अंदर, ब्राउज़र के अंदर आप अपना इंटरनेट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने YouTube ऑलरेडी चलाया था तो आप जैसे इस URL को ओके करोगे तो यहाँ पे दिखिए आपके सामने YouTube खुल गया है। ये देखिए आपके सामने जो सॉन्ग है वो प्ले हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेटर भी दे रखा है और इसके अलावा वीडियो की इसके अंदर ऐप है जिसके अंदर जो इंटरनल आपने वीडियो जो भी इसके अंदर सेव कर रखेंगे उसको आप देख सकते हो। सेटिंग के अंदर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी है, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, इसके अंदर आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी सारे जो बेसिक फीचर्स कीपैड फ़ोन में होते हैं वो सारे के सारे इस फ़ोन में दे रखे हैं। इसके बाद इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट दे रखा है, तो ये वॉइस कमांड लेता है आपके, आप कुछ भी इसको बोलोगे तो सेम वैसे ही वो करेगा, किसी भी भाषा में आप बोल सकते हो।
आप हिंदी में भी बोल सकते हो, उसके अलावा पंजाबी में भी बोल सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर मैंने कोई कॉन्टैक्ट या कोई नंबर सेव नहीं किया, तो इसलिए मैं फ़िलहाल ये ऑप्शन को अभी यूज़ करके आपको नहीं दिखा रहा। माई जियो ऐप इसके अंदर है, जियो पे, जियो मनी जिसे हम बोलते हैं, वो भी ऐप इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा फेसबुक जो ऐप है वो भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। आप इसके अंदर ये जो क्रिटेरिया सारा है, आप लॉगिन के ऊपर लेके वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आप अपना लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जियो म्यूज़िक ऐप है इसके अंदर, जियो म्यूज़िक ऐप के अंदर आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो। इसमें कैटेगरी दे रखे हैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, काफ़ी अलग अलग तरह के जो लैंग्वेजेस हैं इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप सेंटर वाला बटन ओके करोगे, उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जहाँ पे जो आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसके जो टॉप 20 सॉन्ग्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। आप इसे प्ले ऑल भी कर सकते हो और उसको अलग अलग सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट ऐप है हमारी जियो वीडियो कॉल। इसके अंदर आपको अपना जो जियो वीडियो चैट के लिए जो अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम ले रहा है। नेक्स्ट जो ऐप है हमारी वो है जियो सिनेमा। जियो सिनेमा के अंदर यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी के हिसाब से जहाँ टीवी के शोज हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। आपने कोई भी इसको प्ले करना है तो उसके ऊपर जाके आपने, जैसे ये सिंगम मूवी है, आप इसके ऑप्शन के ऊपर ओके करोगे तो आपके सामने जो मूवी है वो प्ले होनी स्टार्ट हो गई है। ये आपके सामने मूवी प्ले हो गई है। फिलहाल ऐप इसके अंदर सारी की सारी वर्क कर रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ इसके अंदर नहीं चल रही, छोटा फ़ोन है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियो टीवी की मैं बात करूँगा तो जियो टीवी भी इसके अंदर परफेक्टली चल रहा है। मैंने ऑलरेडी पहले इसको यूज़ करके देखा है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर मैं कोई भी एक चैनल सेलेक्ट करता हूँ, जियो इसके अंदर मैंने जी एच डी सिनेमा जो है वो उसको सेलेक्ट कर लिया है। फिलहाल आपके सामने ये जो ऐप है ये भी परफेक्टली चल रही है, टीवी ऐप में भी ऐसी कोई इशू नहीं है।